السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة आप क्या यहाँ सुनाए क्या فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشاو الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين हर किस्म की तारीफ हम्द व सना किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है जो सारी कायनात का
है, पालन पोषण करने वाला है, जो इस विश्व का रचयिता और रचनाकार है, जो अला कुल्ले शैन कदीर है, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी को हम मस्जूद जानते हैं, उसी को हम माबूद जानते हैं, और जो मांगना होता है उसी से मांगते हैं, और यही हमारे अहदाफ का अकीदा रहा है। मुख्तसर सी हम्द और सना के बाद हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू आसमान के सितारों से ज्यादा, रूए जमीन पर जितने दरख्त हैं उन दरख्तों की पत्तियों से ज्यादा, रूए जमीन पर जितना समंदर का पानी है उस समंदर के पानी की बूंदें और कतरों से ज्यादा, उससे ज्यादा रूए जमीन के दरख्तों की पत्तियों से ज्यादा और समंदर के पानी के कतरात से ज्यादा, दरूद व सलाम के बेशुमार फूल नछावर फरमा अहमद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात मोहसिन इंसानियत मक्का और मदीना की गलियों के सरदार रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, कि जिनकी बदौलत हमको जिंदगी गुजारने के सही उसूल और कानून मालूम हुए। अल्लाहुम्म सल्ले वसल्लम वबारक अलैहि, اللهم صل وسلم وبارك عليه। तकरीबन एक महीना 10 दिन पहले इसी चीता कैंप ग्राउंड के अंदर, इसी रोड के अंदर के ऊपर दो रोज़ा प्रोग्राम हुआ था, 14-15 दिसंबर, आज 26 जनवरी को एक महीना 10 दिन के बाद फिर यहाँ के नौजवानों ने, चलिए आखिरी उन्होंने इतनी जल्दी दोबारा प्रोग्राम का इनाकाद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नौजवानों के हौसले को बुलंद रखे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अदा फरमाए, और हमारे इस इज्तिमा को, इस इजलास को वो कामयाब फरमाए। मैंने इससे पहले प्रोग्राम के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात रखी थी, और
उम्मत इस्लामिया में जो खला हो रहा था, जो इंतशार था, जो दिलों में हसद और कदूरत थी, उसको बहुत हद तक मैं निकालने में कामयाब रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से हमें उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह इस्लाही प्रोग्राम लोगों के जहनों को बदलेगा, लोगों के दिलों को बदलेगा, लोगों के दिलों से कदूरत, बोझ, तैनात और दुश्मनी निकलेगी। वो मैं देख रहा हूँ उसका रिजल्ट कि बहुत हद तक इससे पहले वाला प्रोग्राम कामयाब रहा। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को वो कामयाबी पसंद नहीं आई, या ये कहिए कि उनके हलक से नीचे इतनी बड़ी कामयाबी उतर नहीं रही है। और मैंने अपने भाइयों को समझाने की कोशिश की है कि आपको गुस्से में आने की जरूरत नहीं, हमें उसी प्यार से काम करना है जैसे हम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस्लाम की शुरुआत ही दुश्मनी के साथ हुई है, और दुनिया अल्लाह ने उन नबियों के मुकाबले में उनका दुश्मन पैदा जरूर किया है, वरना हक साबित हो ही नहीं सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह ने नमरूद को पैदा किया उनके मुकाबले में, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनके मुकाबले में फिरौन को भेजा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब अल्लाह ने भेजा तो अबू जहल और अबू लहब को उनके मुकाबले में उतारा। क्योंकि जब तक मुखालिफत ना हो हक की दावत सामने नहीं आती। इसलिए मैं अपने आप को बहुत कामयाब समझ रहा हूं, क्योंकि हमारी उस इस्लाही तकरीर की कुछ लोगों ने मुखालिफत की है। कोई बात नहीं, मैंने कुरान करीम की जो आयात आपके सामने पड़ी है मैं उसी पर बोलूंगा, क्योंकि हमारा अकीदा और हमारा ईमान कुरान पर है, नबी अकरम की हदीसों पर है। और मैं जो उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो गलत तौर से प्रचार कर रहे हैं, पंपलेट और पर्चे जो गलत तरीके से लोगों में बांटकर हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बता देता हूं कि हमारे किसी भी आलिम की कोई किताब हमारे सामने पेश करने की कोशिश ना करो, क्योंकि हमारी सिर्फ दो ही किताबें हैं, रब का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान। हम न किसी आलिम को मानते हैं और न उसकी लिखी हुई कोई किताब को तस्लीम करते हैं जब तक के उस आलिम की बात या उस किताब की बात रब के कुरान के मुताबिक ना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक ना हो। हमारी तकरीर कुरान की आयात से शुरू होती है और हम साथ में हदीसें पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इंतकाल से 4 दिन पहले भी हमको यही वसीयत की थी। मरज़ुल मौत में मुब्तला थे आप, तो आपने यही कहा था कि आए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, मालिक के अल्फाज ये हैं, हदीस के अल्फाज पेश कर रहा हूं, किसी आलिम की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, और ये गारंटी कार्ड दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आज हमारे दरमियान जो बहत्तर बहत्तर फिरकों का वजूद हुआ है, उनको लोग अगर इस हदीस को पढ़ लें और इस हदीस पर अमल कर रहे हैं तो फिरकों का डायनामाइट हो जाए। आज ना कोई हनफी बाकी रहे, ना शाफी, ना शिया, ना बरेलवी, ना सुन्नी, ना कादियानी, ना अहले हदीस, ना चकालवी, कोई बाकी नहीं रहे अगर इस हदीस पर अमल कर लें। हम तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़ के जा रहे हैं और गारंटी कार्ड दे रहे अल्लाह के नबी, मां लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा। आए लोगों, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, आए लोगों, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे, लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा। अल्फाज पर गौर कीजिए, हरगिज तुम गुमराह नहीं हो सकते, रास्ते से भटक नहीं सकते, तुम रास्ते से हट नहीं सकते, रास्ते से भटक नहीं सकते। कब तक? मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे। कौन कौन सी है वो दो चीजें गारंटी कार्ड? क्या है? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारंटी कार्ड दे रहे हैं। किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, सुन्नती और दूसरी मेरी सुन्नत, ये दो चीजें हैं, मजबूती से पकड़े रहो, बस गुमराह नहीं होगी। और नबी से ज्यादा सच्चा कोई हो सकता है? और सारे कायनात की बात एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात एक तरफ, सारी कायनात की बात मिलकर भी मेरे नबी की बात का मुकाबला नहीं कर सकते। लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम गुमराह हो ही नहीं सकते जब तक इन दोनों को पकड़े रहो। हमारी सिर्फ दो किताबें, हमारा कोई भी मसला किसी को दिखाना हो तो रब के कुरान से दिखाए या नबी के फरमान से दिखाए। हम तीसरी ना किसी मौलवी की बात मानते हैं, ना मौलवी की किताब जानते हैं। हम मौलवी की बात को भी अदालत मोहम्मदी में लेके जाते हैं। पहले भी हमने यही कहा था कि हम सब की अदालत सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत, नबी की अदालत से जो भी फैसला हो तुम भी मान लो, हम भी मान लें, लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म, किसी को जज मानने की जरूरत ही नहीं। कुरान करीम की आयात हमने आपके सामने पढ़ी है, परमिशन 10 बजे तक की है, हम नहीं चाहेंगे कि आज आगे बढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिह, आईमानो वालो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। इसी टॉपिक पर आज मैं वहां बोल के आया हूँ, मेरून में 3 बजे से 5 बजे तक वो प्रोग्राम आज वहीं था। सोच रहा हूँ कि उसी टॉपिक को लेके चलूँ और दो चार बातें सही हदीस के वाक़यात से आपके सामने रख दी जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिह, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यहाँ अल्लाह ने कहा जैसा कि उससे डरने का हक है। हर चीज का एक हक होता है। हम सांप को जब देख लेते हैं जंगल में तो भागते हैं कि कहीं सांप काट ना ले, तो ये सांप से डरने का हक है कि हम उसको देख के भाग रहे हैं कि काट ना ले वरना मर जाएंगे। डरते तो आग से भी हैं लेकिन आग को देख के हम भागते नहीं हैं। हाँ, आग में हम हाथ भी नहीं डालते क्योंकि आग हमको जला देगी, तो ये आग से डरने का हक है। बस इसी तरीके से अल्लाह से भी डरने का कुछ हक है, उसको अल्लाह कह रहा है। आग से डरने का जो हक है तुम उसको देते हो, सांप से डरने का जो हक है तुम उसको देते हो, तो मुझसे डरने का हक मुझे दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिह, ईमान वालों अल्लाह को देखकर भागो नहीं लेकिन अल्लाह को, अल्लाह से डरो जैसा कि उसे डरने का हक है, यानी गुनाह करते वक्त उसके अज़ाब से डरो, मरने से पहले अज़ाबे क़ब्र से डरो, मरने के बाद तैयारी करो कि जहन्नम को हमको, जहन्नम में हमको अज़ाब न मिले। जहन्नम से डर
अजाब कब्र का डर, ये है अल्लाह से डरने का हक। आपका तो बात ही है ईमानों वालों, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक मिसाल दे दूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपकी बर्थ है लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ पर दूसरा आदमी लेटा हुआ है, उसके ऊपर अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है, रिजर्वेशन कोच है। आप सफर कर रहे हैं, पूरा कोच सो रहा है, आपकी बर्थ है लोअर, नीचे से आप उठे, अचानक आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी के ऊपर पड़ी, क्या देखते हैं, 100-100 के नोट की गड्डी उसकी जेब में रखी हुई, 100-100 के नोट की गड्डी उसके जेब में रखी हुई है। आपने कोच में देखा सारे लोग सो रहे हैं, आपने कहा मौका अच्छा है, जरूर निकाल लें। आप जेब में हाथ डाल दिया, खींचने वाले हैं, पैसा निकालने वाले हैं, आपने सोचा जरा दाएं बाएं देख लूं, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर आपने दाएं बाएं नजर डाली, अचानक आपकी नजर अपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी के ऊपर पड़ी। आप क्या देखते हैं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत को देख रहा है। जरा गौर करना, आप नीचे थे, बीच वाले सीट पर एक और आदमी लेटा हुआ है, जेब से पैसा निकाल रहे, ऊपर वाला आपकी हरकत देख रहा है। और जब आपकी नजर ऊपर पड़ी, अरे ये तो मुझे देख रहा है, तो अब आप दिल से बताना, ईमान से बताना कि आप चोरी करेंगे या पैसा उसी की जेब में वापस डाल देंगे। आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी चोरी करने की, आप जेब के अंदर पैसा वापस डाल देंगे, ऊपर वाले आदमी से माफी मांगेंगे। मेरे भाई इससे मत कहना गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। हाँ, या फिर मौजूदा दौर का कोई रास्ता आप निकालें, आधा तेरा आधा मेरा, रिश्वत वाला। हाँ, अगर ये भी नहीं, पैसे में इतनी मोहब्बत अगर निकाल लेते हो तो आपको डर लगता है कहीं ऊपर वाला आदमी शोर न कर दे, अगर कहीं उसने शोर कर दिया तो जूते और चप्पल से स्वागत अच्छी तरह किया जाएगा। तो आप जेब से पैसा निकालकर चलती हुई ट्रेन के डब्बे से कूदना भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के लिए डेंजर हो सकता है। वो लोगों, एक मामूली आदमी जो आपकी बस के ऊपर लेटा हुआ है, वो तुम्हारी हरकत को जब देख लेता है तो तुम चोरी नहीं करते हो, जेब में पैसा वापस डाल देते हो। बस यही तकवा है कि जब कोई गुनाह करे, वक्त आए और हम कोई गुनाह करने के लिए जाएं, शराब की बोतल हाथ में हो, जुए के लिए हम कदम बढ़ाएं, तो यही सोच लें कि दुनिया की कोई निगाह हमको नहीं देख रही है, लेकिन ऊपर वाले की निगाह हमको देख रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस हरकत को देख रहा है। अगर तुमको अपने पैदा करने वाले रब का यकीन हो जाए कि वो मेरे इस गुनाह को देख रहा है, तो कोई भी आदमी फिर उस गलत काम को करने की कोशिश नहीं करेगा। पता ये चला कि आज हमको अल्लाह का डर नहीं है, या ये कहिए कि आज हमको यकीन नहीं है कि अल्लाह हमको देख रहा है। वरना ऊपर वाले आदमी का इतना यकीन है कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो अल्लाह का यकीन कितना होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। और जिसको अल्लाह का यकीन हो कि अल्लाह देख रहा है, क्या फिर वो कभी फिल्म देखेगा, क्या फिर वो कभी जुआ खेलेगा, क्या फिर वो कभी शराब की बोतल अपने हाथ में उठाएगा। मौलवी साहब, ये आप कैसे कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। हाँ, तुम मानते हो कि अल्लाह देख रहा है, ये मानते इसलिए हो कि मेरे बाप मानते आए, मेरे दादा कहते आए, ये रस्म चली आ रही, हम भी कहते अल्लाह देखा, लेकिन यकीन नहीं है। यकीन होगा तो अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा होता, हम वो काम नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहां आग जलाते हैं, आपसे कहता हूं कूद जाइए, आप कूद जाएंगे? नहीं, जान प्यारी है, आग में नहीं कूद, दुनिया की आग से जान इतनी प्यारी है कि आप नहीं कूदेंगे। क्यों? इसलिए कि आप कभी जले नहीं है, फिर भी यकीन है कि आग हमको जला देगी, मार डालेगी। अगर जहन्नम की आग का यकीन होता तो कोई आदमी गुनाह करता? इसका मतलब यह हुआ कि जहन्नम मानते हैं लेकिन यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो दुनिया की आग में नहीं पूछ सकते हो, तो गुनाह कर करके आदमी जहन्नम की आग में क्यों पूछ रहा है? इसलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा,
आई मानो वालो, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने हलवायाल को भी जहन्नम से बचाओ। कयामत का दिन होगा, हिसाब किताब हो चुका होगा, जन्नतियों का भी जहन्नमियों का भी। एक नमाजी को बुलाया जाएगा, एक रोजदार को बुलाया जाएगा, जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी उसको भी बुलाया जाएगा, जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज की कजा नहीं हुई उसको भी बुलाया जाएगा। आए पांच वक्त नमाजी, है रोजदार, तूने अल्लाह की बहुत इबादत की, अल्लाह का हुक्म होगा, ये फरिश्तों इसको इज्जत के साथ जन्नत के अंदर लेके जाओ, फरिश्ते इज्जत इकराम के साथ जन्नत के अंदर लेके जा रहे होंगे। कितने में पीछे से उसकी बीवी भागती हुई आएगी, आए अल्लाह इस आदमी को रोको, अभी मेरा हक है इसके ऊपर बाकी। अल्लाह कहेगा, ओ फरिश्तों मेरे बंदे को वापस कर लाओ, मैं अपना हक माफ कर सकता हूँ, अपने बंदे का हक माफ नहीं कर सकता। ओ मेरी बंदी, क्या तेरा हक बाकी है? कहेगी, अल्लाह ये दुनिया में मेरा शोहर था, ये दुनिया में मेरा आदमी था, ये फजर में उठा करता था, फजर से पहले तहज्जुद पढ़ा करता था, फजर की अज़ान सुन के मस्जिद में भागा करता था, अल्लाह इसने मेरे सारे हक अदा किए, लेकिन किसी दिन इसने मुझसे ये नहीं कहा, ओ मेरी बीवी चल उठ फजर की नमाज पढ़ ले, ओ मेरी बीवी जोहर की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ये मेरा शोहर है लेकिन इसने किसी दिन मुझे नमाज के लिए नहीं कहा। अल्लाह कहेगा, ओ मेरी बंदी, ये तेरे शोहर का हक था तेरे ऊपर जो उसने पूरा नहीं किया। आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरे हक को निभाए लेकिन मेरी बंदी का हक नहीं निभाया, इसलिए मैं अपना हक को माफ कर देता, लेकिन मेरी बंदी का इसने दुनिया में हक मारा। जाओ इस नमाजी को भी, हाजी को भी, इस रोजदार को भी उठाकर जहन्नम के अंदर पटक दो, ले जाओ इस नमाजी ताजिद गुजार को भी जहन्नम में फेंक दो। हाजी और नमाजी जो जहन्नम में जा रहे हैं सिर्फ इतने से जुर्म की वजह से, क्यों अपनी बीवी को नमाज का हुक्म नहीं देते थे, अपने बेटे को नमाज का हुक्म नहीं देते थे, बेनमाजियों का हाल क्या होगा अल्लाह जाने, बेनमाजियों की कैफियत क्या होगी ये अल्लाह ही फैसला करे। या नमाज पढ़ने वाले और रोजा रखने वाले इतनी सी गलती की बुनियाद पर जहन्नम में जा रहे हैं। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बच्चों और अपने बाल बच्चों को भी कांटों के ऊपर से चलूंगा क्योंकि जाना जरूरी है, और कांटों से बच बच के चलूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ ना जाए। तो हजरत उबै इब्ने काब ने कहा था, आए उमर, अगर कांटों से बच बच के चलोगे फिर भी कांटों के ऊपर से चल रहे हो इसलिए दो चार कांटे तो लग ही जाएंगे। हजरत उमर ने कहा था, मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूंगा। हजरत उबै इब्ने काब ने कहा, यही तकवा है, जिस तरीके से जंगल में कांटे बिछे हो और जाना जरूरी हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है और इसके ऊपर से चलना जरूरी है। दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ, कदम कदम पर मीर पर, कदम कदम पर डांस क्लब, कदम कदम पर शराब के अड्डे, कदम कदम पर दवाइयों के चगले, कदम कदम पर गुनाहों के अड्डे, गुजरना भी जरूरी फरमाया। जिस तरीके से कांटेदार जंगल में कांटों से बच बच के निकल जाते हो, उसी तरीके से इस गुनाहगार दुनिया के अंदर तुम गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। जैसे कांटेदार जगह से तुम कांटों से बच बच के निकल जाते हो, ऐसे ही तुम गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, चले जाओ। कहा कांटों से चलोगे तो चार कांटे लगी जाएंगे, इंसान होने के नाते से गुनाहों की दलदल से चलोगे तो दो चार गुनाह तो हो ही जाएंगे। तो जिस तरीके से कांटे लग जाने के बाद उसकी मरहम पट्टी कर लेते हो, ऐसे दो चार गुनाह हो जाए तो उसकी भी मरहम पट्टी कर लो, यानी तौबा कर लो अल्लाह से। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खताउन व खैरुल खताईन तौबाबून, हर आदम का बेटा खताकार है और सबसे बेहतर खताकार वो है जो अपनी खता हो जाने के बाद फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाह की तौबा कर ले। तौबा इसी तकवा के ऊपर एक मिसाल सही बुखारी शरीफ की मैं देता हूं, हदीस की किताब है, कुरान के बाद सबसे ज्यादा मुअत्तल। हजरत अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताओ कि मैं उस वजीफे को पढ़कर अपने गुनाह अल्लाह से माफ कराता हूँ। लीजिए साहब, सहाबा हैं हजरत अबू बकर, क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसी दुआ बताइए कि जिसको पढ़कर मैं अपनी गलती अल्लाह से माफ कराऊं।
जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट इसी दुनिया में दे दिया था, और एक नहीं चार चार सर्टिफिकेट, आए अबू बकर तुम जन्नती हो, 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 चार चार सर्टिफिकेट तुम जन्नती हो। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताओ जिस दुआ को पढ़कर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अबू बकर अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं तुम्हें अपना खलील बनाता। ये हजरत अबू बकर कि जिनके बारे में कभी अल्लाह के नबी ने तारीफ के जुमले पेश करते हुए अबू बकर का नाम नहीं लिया था, उमर फारूक का नाम ले लिया था, क्या उमर तुम्हारी इतनी नेकियां हैं उतनी नेकियां हैं कि आसमान के सितारे गिने जा सकते हैं, लेकिन आई उमर तुम्हारी नेकियां नहीं गिनी जा सकती हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हा हजरत उमर खुश थे, हजरत आयशा रोने लगी, पूछा है मेरी बीवी क्यों रोती हो, कहा आपने हजरत उमर के बारे में फरमाया कि उमर की नेकियां गिनी जा सकती हैं, उमर के आसमान के सितारे गिने जा सकते हैं लेकिन उमर की नेकी नहीं गिनी जा सकती। अरे अरे अल्लाह के नबी मेरे बाप तो उठते आपके साथ, बैठते आपके साथ, सोते आपके साथ, खाते आपके साथ। आपने फरमाया जब कब्र से उठेंगे अबू बकर मेरे साथ होंगे, हौज़े कौसर पर नबी पानी पिलाएंगे तो अबू बकर मेरे साथ होंगे, जन्नत का जब दरवाजा नबी खोलेंगे तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। अय अल्लाह के नबी मेरे बाप को आपने कभी अपने नाम से अलग नहीं किया तो फिर क्या बात है कि मेरे बाप की नेकी का तज़किरा आपने नहीं किया। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए कहते हैं आया आयशा क्या तुम अपने बाप की नेकियों का अंदाजा लगाना चाहती हो। उमर की नेकियां तो इतनी है कि आसमान की सितारे गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, लेकिन उमर फारूक की नेकियां नहीं गिनी जा सकती। लेकिन तेरे बाप की नेकियां इतनी ज्यादा हैं कि उमर फारूक की सारी जिंदगी की नेकी अगर तराजू के एक साइड रख दी जाए और दूसरे साइड पर तेरे बाप के एक दिन की नेकी को तराजू के एक साइड पर रख दिया जाए, फिर तराजू उठाई जाए तो उमर की सारी जिंदगी की नेकियां मिलकर भी तेरे बाप के एक दिन की नेकी के बराबर नहीं हो सकती। इतनी नेकियों वाली शख्सियत फिर भी है अल्लाह के नबी मुझे दुआ बताइए कि मैं उस दुआ को पढ़कर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगू। तो अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई है। अबू बकर फरमाते हैं अल्लामानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआअन, अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ सिखाई और फरमाया आए अबू बकर तुम अपने गुनाहों की माफी इस दुआ को पढ़कर मांगा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फिर ली मग़फिरतन मिन 'इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल ग़फूरुर रहीम। ओ लोगो इस दुआ को हम भी अपना वजीफा बनाए, नमाजों में पढ़े, उठते चलते फिरते लेटते सोते जागते खाते पीते दुआ को अपना वजीफा बना लो। क्या कहा ये दुआ पढ़ो, इस दुआ के जरा तर्जमे पर गौर करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, हाय अल्लाह मैंने अपनी नफ्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। अरबी जानने वालों को मालूम है क्या कहा था, अरबी जबान में मफ़ऊल और फाइल से मिलकर जुमला पूरा हो जाता है। अगर अबू बकर सिद्दीक सिर्फ इतना कहते अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी तो काफी था, लेकिन इतना ही नहीं कह रहे ज़लमतु नफ्सी, ज़ुल्मन कसीरा मफ़ऊले मुतलक की शक्ल में ताकीद मिलाई जा रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी तौहीद का भी दर्स दे दिया कि देखो पुकारना हो तो एक अल्लाह को पुकारना और सबसे पहले उस अल्लाह का नाम लेना। अल्लाहुम्मा इन्नी आए अल्लाह इन्नी बेशक में ज़लम तो नफ्सी जुलुम किया अपने नफ्स के ऊपर, अपने आप पर मैंने जुलुम किया। और सुनो सहाबियों का लफ्ज जुलुम ये उस माना में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो हम और आप कर रहे हैं, जालिम किसी को कहते हैं, हालांकि ये लफ्ज यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी इस्तेमाल किया था जब वो मछली के पेट में दाखिल कर दिए गए तो ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन,
یا جس کسی مولوی کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہے, ایک طرف رب کا قرآن ہے دوسری طرف نبی کا فرمان ہے, اللہ کی قسم الزام لگانے والوں پرچے چھاپنے والوں خدا کی تم کو گواہی دینا ہے تیار ہو جاؤ, گواہی دینے کے لیے ہاتھ میرا ہوگا, غریبان تو تمہارا ہوگا ہی نہیں, سب ننگے ہوں گے, ایک گردن تمہاری ہوگی. الزام لگانے والوں خدا کی گواہی دینا ہے کہ میں نے اب تک کوئی بھی مسئلہ رب کے قرآن و نبی کے فرمان کے علاوہ پیش ہی نہیں کیا ہے, اور ہم مسئلہ کے اہل حدیث کا صرف اتنا دعویٰ ہے قرآن میں جو ہوگا مانیں گے, نبی کے فرمان میں جو ہوگا مانیں گے. ربی قسم قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی بات ہو, دنیا کا وہ کتنا ہی بڑا چودھری کیوں نہ ہو, دنیا کا کتنا ہی بڑا وہ مولوی کیوں نہ ہو, ہم تو پیروں کی ولیوں کی اماموں کی باتیں بھی ٹھکرا دیتے ہیں. جب نبی کی بات سے ٹکرا جاتی ہے ہم چھوٹے چھوٹے مولویوں کی باتیں کیسے مان لیں, ہم چھوٹے چھوٹے مولویوں کی باتیں کیوں نہ کیوں مان لیں, ہم تو نبیوں کی پیروں ہم تو پیروں کی ولیوں کی باتیں ٹھکرا دیتے ہیں جب نبی کے خلاف پڑ جائے. اور لوگوں کا ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں, قیامت کے دن ان لوگوں کو گواہی دینا, آج ہمارے خلاف سازش کر کے لوگوں کو ایک تو الگ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں, لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ میں نے پہلے بھی ملانے کی بات کی تھی, آج بھی ملانے کی بات کروں گا, کعبے کے رب کی قدم جو مولوی لڑانے کی بات کرے, مولوی ہی نہیں وہ شیطان ہے جو امت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹے, وہ مولوی نہیں شیطان ہے. وہ لوگوں یہ خطبہ سن لو میرا, نہیں جناب محمد رسول اللہ کا ہے. لڑانے والا مولوی نہیں ہوتا, عالم نہیں ہوتا, شیطان ہوتا ہے. لڑانے والی بات نہ کرو, ملانے والی بات کرو. سنو لفظ ظالم یونس علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے ہے اللہ, سبحانک تیری ذات پاک ہے. میرا ظالمین اللہ میں ظالم میں سے تھا, یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی لفظ سن. اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اور آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آگے درخت کے قریب چلے گئے, اللہ نے اوپر سے نیچے بھیج دیا, تو آدم علیہ السلام نے بھی لفظ ظلم استعمال کیا تھا. کیا کہا تھا توبہ کرتے وقت؟ ربنا ظلمنا انفسنا, لفظ ظلم نہ استعمال کیا تھا, ظلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اے ہمارے رب ظلمنا, ہم نے ظلم کیا. آدم علیہ السلام نے بھی لفظ ظلم استعمال کیا, کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنے نفس کی اوپر ظلم کیا. بس یہی لفظ ظلم ابو بکر بھی استعمال کر رہے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنے نفس کی اوپر ظلم کیا. اور صرف ظلم نہیں کیا, ظلمن کثیرہ بہت ہی زیادہ ظلم کیا, ظلمن کثیرہ صرف ظلم نہیں کیا بہت زیادہ ظلم کیا, تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ جب نبی کا یار غار, جب نبی کا دوست, جب نبی کا ساتھی, اور جب نبی کا خلیل, جب نبی کا بہترین دوست جب بہت زیادہ ظلم کر سکتا ہے, تو ہم جیسے ظالموں کو کتنا زیادہ ظلم کی توبہ اللہ سے کرنی چاہیے, ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ کے سامنے کتنا زیادہ دامن پھیلا کر گڑگڑانا چاہیے. جب آپ اگر نبی کا یار غار, نبی کا ساتھی بہت زیادہ ظلم کر سکتا ہے, تو ہمارے اور آپ کی حیثیت کیا, جس کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہو, جس کو اللہ کے نبی نے کبھی اپنے نام سے جدا نہ کیا ہو, وہ میں نے کھایا تو اللہ کے نبی کہتے تھے ابو بکر میرے ساتھ بیٹھو, اللہ کے نبی نے کہا میں نے ہجرت کی تو ابو بکر میرے ساتھ تھے, میں نماز پڑھا ابو بکر میرے بغل میں تھے, اور میں اٹھ کے گیا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے, میں کھایا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے, میں سویا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے. اور لوگوں ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ اٹھے گا, وہ نبی نے فرمایا کہ جب میں ہفتے کوثر سے پانی پلاؤں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوگا, جب میں جنت میں جاؤں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوگا. اس ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھو میرے بھائیوں کی, وہ بھی کہتے ظلم تو نفسی ظلم کثیرا, اے اللہ میں نے اپنی نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. اور پھر توحید پڑھے تھے ولا یغفر الذنوب الا انت, اے اللہ میرے نہ ہو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اور کون ہونی چاہیے؟ ولا یغفر الذنوب الا انت, تو پھر اپنے پاس سے اپنی رحمت سے
یہ نہیں کہا کہ میری نمازوں کے بدلے میں ہمیں بخش دے, جبکہ حضرت ابو بکر نے ایک دن کی عبادت حضرت عمر کی پوری زندگی کی عبادت کے مقابلے میں آگے ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں, اللہ میرے روزوں کے بدلے میں نہیں, میری نمازوں کے بدلے میں نہیں, اپنی رحمت سے بخش دے. یعنی کسی کی عبادت اس لائق نہیں کہ وہ اس کو یہ سوچ سکے کہ میں جنتی ہو گیا. کہ اللہ نے جو دو آنکھیں دی نا, ایک آنکھ کا احسان اللہ نے جو دو آنکھیں دی, پورا جسم چھوڑو یہ دو آنکھیں دی, ان میں صرف ایک آنکھ کا احسان ترازو کے ایک پڑے پہ رکھ دیا جائے اللہ کا, اور ہماری پوری زندگی کی عبادت دوسری طرف رکھ دی جائے, تو ہماری ساری زندگی کی عبادت مل کر بھی اللہ کی دی ہوئی ایک آنکھ کا احسان ادا نہیں کر سکتی. اس لیے حضرت ابو بکر نے کیا کہا, فاغفر لی مغفرتا من عندک, اے اللہ اپنے پاس سے بخش دے. ہماری نمازوں روزوں کے بدلے میں نہیں, بدلہ تو ہماری عبادت ہو ہی نہیں سکتی, اپنی رحمت سے بخش دے. کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم, تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا, بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ہے تقویٰ. یہاں تو ہم کہہ بیٹھے ہیں نا, ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, بس کسی کے مرید ہو جاؤ, آگ دوڑ کر وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا قیامت کے دن. ہم کو بھاگ دوڑ کر اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. یا اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں اور اپنی بیٹی سے نہیں, سارے قبیلے کو ڈرا رہے, یا بنی عبد مناف, یا بنی عبد المطلب, یا بنی عبد شمس, انقذوا انفسکم من النار. اے عبد مناف کے لوگو, اے عبد المطلب کے خاندان والو, اے عبد شمس کے لوگو, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. پھر آپ نے اپنی بیٹی سے کہا, یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار, آئے میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے, یہ مت سمجھنا تیرا باپ نبی ہے, قیامت کے دن تجھے خدا کے عذاب سے بچا لے گا. آئے میری خوبی صفیہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اس کے بعد میں نبی نے کہا, سلونی مما لی ما شئتم, جو چاہو مجھ سے دنیا میں مانگ لو, انی لا املک من اللہ ہی شیا, قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. کلیئر کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اکسا رہے ہیں کہ ہم اور آپ عمل کے میدان میں آگے بڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. چلو یہ جملہ پورا ہو رہا ہے, باتیں اور بھی ہیں لیکن چونکہ 10 بجے تک پرمیشن ہے اس لیے میں دوسری باتیں نہیں بتانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, آئے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. آگے کہا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اگر تم مجھے مسلمان سمجھتے ہو اور میں تمہیں مسلمان سمجھتا ہوں, سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, میں کسی کو کافر نہیں کہتا. سنو اللہ کے نبی نے صاف کہا, میری امت میں 72 فرقے ہوں گے, یہ 73 فرقے ہوں گے. نبی نے ان کو بھی اپنے امتی کہا, میری امت میں, یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہوں گے. نبی نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, اللہ کے نبی نے ان کو بھی امتی کہا ہے. کہا 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. وہ 72 جہنم میں کفر کی وجہ سے نہیں جائیں گے, بلکہ میری نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. میرے امتی وہ بھی ہوں گے, وہ 72 جو جہنمی ہوں گے وہ اس لیے جہنمی ہوں گے کیونکہ وہ میرے نافرمان ہوں گے, اللہ کے نافرمان ہوں گے. مسلمان کس کو کہا گیا؟ اللہ کہہ رہا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے, اور نہ مرو, نہ مرو, اور جب مرنا ہی ہے تو پورے کے پورے مسلمان ہو کر مرو, مت مرو مگر مسلمان ہو کر. یعنی موت کا فرشتہ جب تمہارے پاس موت کا پیغام لے کے آئے تو تم پورے کے پورے مسلمان ہونا, شراب کی حالت میں نہیں, جوئے کی حالت میں نہیں, شادیوں میں ڈانس اور ناچ کی حالت میں نہیں, اسلام کی مسلم کی حالت میں مرنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, آئی ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ نے جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے,
वहां अल्लाह हमसे कुछ मुतालबा कर रहा है। आई ईमान लाने वालों, नहीं नहीं, अगर ईमान वाले हम हैं ही तो ये कहने की क्या जरूरत है ईमान वालों नमाज पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, आई ईमान वालों नमाज पढ़ो, क्या मतलब आई ईमान वालों, अरे ईमान वाले से कहने की जरूरत पड़ेगी नमाज पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तीउल्लाह वअत्तीउर रसूल, ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, अरे ईमान वाला तो अल्लाह और उसके रसूल का इताअत वैसे ही करेगा, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो इताअत ना करे, तो फिर क्यों कहा जा रहा है ईमान वालों। यानी ईमान का दावा करने वालों, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो नमाज पढ़ो। आई ईमान के दावेदार, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अल्लाह उसके रसूल की हिदायत करो, ये माना मतलब लिया जाता है। वला तमूतुन्ना, आई ईमान वालों, अगर तुम अपने ईमान के दावे में सच्चे हो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो मगर मुसलमान होकर। मुस्लिम किसको कहा जाता है, अब सुनिए, मुस्लिम किसको कहा जाता है वो भी सुन लो, अगर ये चीज हमारे अंदर है तो मुस्लिम है, नहीं तो अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं, मुसलमान की परिभाषा, मुसलमान का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, मुसलमान की तारीफ बता रहे हैं कि मुसलमान किसको कहते हैं। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून, मुसलमान वो है मिल लिसानी ही व यदी, कि जिसकी जान से और दिमाग से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। हमने तो खूब तकलीफ है, तेरी माता तेरी बहन का, ये जबान की तकलीफ। और यहां अल्लाह के नबी ने लफ्ज लिसान पहले कहा है और यह बात इस्तेमाल किया, यह अल्लाह के नबी ने, जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। जबान का लफ्ज पहले और हाथ का लफ्ज बाद में, क्यों? इसलिए कि इंसान की जबान से जो तकलीफ दूसरे मुसलमान से पहुंचती है वो हाथ से नहीं पहुंचती। हाथ का जख्म तो भर सकता है लेकिन जबान से जो जख्म मेरे दिल को पहुंचा वो नहीं भर सकता। इसलिए कहा है कि ऐ ईमान वालों मत मरो मगर मुसलमान होकर, और मुसलमान की तारीफ अल्लाह के नबी ये कर रहे हैं कि जिसके जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। अब मुसलमान किसको कहते हैं? इतनी अच्छी इस्लाही बातें हमने तुम्हारे सामने पहले रखी थी, फिर भी तुमको शिकवे और शिकायत रहे और तुमने तकलीफें देना शुरू कर दी पब्लिक छाप छाप कर। कोई नौजवान उठने के लिए तैयार नहीं कि नहीं भाई मुश्किल से हम लोगों के दिल साफ हुए हैं इस पर्चे के जरिए, तुम गलत इंतजार मत फैलाओ, भाई भाइयों को आपस में जुदा ना करो। अरे नौजवानों कम से कम तुम तो रोक सकते हो इन तमाम बुराइयों को, नौजवानों को ढूंढना चाहिए और इस इश्तिहार करने वालों को, मशहूर करने वालों को रोकना चाहिए कि हम अपने सोसाइटी में अपने समाज में इंतजार नहीं होने देंगे, हम हनफी शाफी मालिकी हम बली बरेलवी शिया सुन्नी सब मिलकर रहेंगे, सारे संतने के फिर हमारे दरमियान कोई भी आए, हमारे दरमियान कोई भी आए, कोई हमको अलग करने की कोशिश ना करे, हम सब एक हैं। ओ लोगों, ये तो हम लोगों के घर का झगड़ा है, किसी दिन बैठ के निपटा लेना। ओ लोगों, जब भाई भाई में लड़ाई होती है तो लोग ये कहते हैं कि ये घर का मामला है, हम बाहर क्यों ले जाएं, हम भाई भाई का मसला है, घर में बैठ के निपटा लेंगे। तुम उर्दू में और हिंदियों में पर्चे छाप छाप कर गैर मुस्लिमों तक के हाथों में बांट कर ये साबित करना चाहते हो। वो लोगों, तुमने ऐसे ऐसे मसले बयान किए गए हदीसों में, कुत्ते और सुअर का दूध हलाल। अब ये बताओ तो सही, क्या ये कोई आलिम लिख सकता है? और ये तो जाहिल भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे ये पर्चों पे बांटने वालों पे अफसोस नहीं होता, लिखने वालों पे अफसोस नहीं होता, पढ़ने वालों पे अफसोस होता है कि वो कैसे यकीन कर लेते हैं इन बातों का। और जो नबी ये कहे कि कुत्ता तुम्हारे बर्तन में मुंह डाल जाए तो सात मरतबा उसको धो, पहली मरतबा मिट्टी से या आखिरी मरतबा मिट्टी से, वो नबी सुअर का और कुत्ते का दूध कैसे हलाल कर सकता है? कहने लगे अल हदीसों के मतलब में है,
اور لوگوں جبکہ ہم نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ رب کے قرآن میں اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں جو ہو اس کو پیش کرو, کیا یہ تکلیف پہنچانا نہیں, ہم تو یہ کرنے کے لیے آئے, تم ہمیں اکسا کر ابھی باتیں نکلوانا چاہتے ہو کہ آپس میں انتشار ہو جائے. آئے لوگوں مجبور نہ کیا کرو کسی کو, یہ جس کی گندگی ہو وہ اپنے گھر میں حفاظت میں رکھے, اپنے گھر کی گندگیوں کو دوسرے کے دروازے پر پھینکنے کی کوشش نہ کرو میرے بھائیوں, ورنہ پرچوں کا جواب اگر دینا ہو تو ہم بھی کتابیں بانٹ بانٹ کے دے سکتے ہیں, لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلے گا, اس سے نتیجہ کیا نکلے گا, وہی تو پرانی دشمنی کی اب پھر ہری ہوگی. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ دشمنی کو مٹاؤ, دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ. آؤ آؤ, قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ, مسلمان ہو کر مرو, مسلمان ہو کر مرو. اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. جانتے ہو مومن کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ مومن ہے, سنو جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ مومن ہے. اور اب میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے لڑائی جنگ میں, ذرا غور کرنا مومن کس کو کہتے ہیں, جنگ میں لڑ رہے تھے, کافر سے جنگ ہو رہی تھی, کافر کے قریب تلوار لے کر گئے, اس کافر نے تلوار زمین پر پھینک دی, کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ صحابی رسول نے کہا یہ تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. پھر یہ سوچتے ہیں کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے, سوچا اس کا اسلام قبول نہیں ہوا ہوگا, تلوار اٹھائی اس کافر کے پیٹ میں داخل کر دی. اللہ کے نبی کو پورا واقعہ بتایا, اللہ کے نبی نے کہا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ کہاں اللہ کے نبی پڑھا تھا؟ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا تھا؟ کہاں اللہ کے نبی, میں نے اپنے کانوں سنا. آپ نے فرمایا پھر تم نے اس کو قتل کیوں کر دیا؟ اللہ کے نبی وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا. فرمایا اشفقت تب اللہ, کیا تو نے اس کے دل کو بھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ کیا اس کے دل کی کیسے جانتا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا لاپرواہی لانے کی وجہ سے پڑھ رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا آئے میرے بھائی قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ جب آئے گا قیامت کے دن تو اس کو کیا جواب دے گا؟ یہ لفظ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو میرے بھائی تو کافر مت کہنا, نہ ان کے خلاف کبھی زبان استعمال کرنے کی کوشش کرنا, نہ ان کو چڑھانے کی کوشش کرنا. میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا مجمع الزوائد کی روایت ہے, اللہ کے نبی مومن کا درجہ کتنا اونچا ہے؟ اے اللہ کے نبی مومن کا مقام کیا ہے؟ تو کون نہیں جانتا کہ خانہ کعبہ کتنا محترم ہے. ہم لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں نا. ابراہیم بادشاہ کا لشکر جب قبلے کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ نے اس قبلے کی حفاظت کے لیے ابابیل چڑیوں کو بھیج دیا تھا, اس کی حفاظت اللہ نے ابابیل چڑیوں سے کرائی تھی. آج بھی اگر کوئی ملک اگر خانہ کعبہ پر حملہ کرے تو مسلمان اپنی جان دے دے گا لیکن خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دے گا. آج مسلمان بے نمازی ہے, بے روزگار ہے, سب کچھ ہے, لیکن اتنا ایمان ابھی بھی مسلمان کے اندر ہے, ایک چھوٹی سی مسجد تو گرنے نہیں دیتا, اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے. تو خانہ کعبہ جو سارے مسلمانوں کی امانت ہے وہ کیسے اس کی بے عزتی برداشت کر لے گا؟ لیکن اللہ کے نبی نے مومن کا ادب بتایا, مومن کا احترام بتایا, کتنا ہے مسلمان کا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا ادب بتایا. فرمایا خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھ لیا اللہ کے نبی نے قبلے پر اور کہا خانہ کعبہ میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نظر میں بہت اونچا ہے, آئے خانہ کعبہ میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نظر میں بہت بزرگ ہے, آئے خانہ کعبہ میں جانتا ہوں کہ تیرا احترام بہت بلند ہے, آئے قبلہ میں جانتا ہوں تو عزت ہے, بہت باعزت ہے. لیکن اے خانہ کعبہ کان کھول کر سن لے, ایک مومن سے بڑا ایک مسلمان سے بڑھ کر تیرا ادب نہیں ہے, تیرا احترام نہیں ہے, ایک مومن مسلمان سے بڑھ کر تیرا درجہ نہیں ہے. اور لوگوں جب مومن کا درجہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر بتایا اللہ کے نبی نے تو خانہ کعبہ کی بے عزتی تم برداشت نہیں کرتے ہو, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تم کو یہ بے عزتی کیسے برداشت ہو جاتی ہے؟ مومن کا ادب دیکھیے اور مومن کا احترام دیکھیے. یہ مت دیکھو مولوی جرجیس کہتا ہے, یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, قرآن کی مہر لگی ہے یا نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے یا نہیں. سنو میرے بھائیو,
मुसलमान के दर्जे को मैं बताते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर का एक वाक़िया आपके सामने रखना चाहता हूँ। जरा उस वाक़िये को सामने रखिए। रात में गश्त कर रहे थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, गश्त करना उनकी आदत थी। आजकल के पॉलिटिक्स वाले लोगों की तरह नहीं, खर्राटे लेके सोए, पब्लिक मरती रहे, जल्दले आते रहे, भूकंप आती रहे, ट्रेनें टकराती रहे, बस आप 10 बजे से पहले नहीं उठेंगे। ये रात में गश्त करते थे, रात में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला, और रात में गश्त करते करते क्या देखते हैं कि झोंपड़ी से आवाज आ रही है। हजरत उमर फारूक झोंपड़ी की उस दीवार के ऊपर चढ़कर झांकते हैं, गिरे के अंदर क्या नजारा हो रहा है। दीवार के ऊपर चढ़ते और अंदर झांक कर देखा तो ये नजर आता है अंदर का नजारा कि एक शख्स बूढ़ा है और शराब के नशे में धुत है। शराब के नशे में धुत है और दो चार रकासा को नचा रहा है शराब के नशे में। आज भी माहौल है। एक जगह मैंने यहां तकरीर में पहले कहा था ना, शराबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में भी इतना बुरा है कि अल्लाह के नबी ने उसको सबसे पहले कहा, इस शराबी को मेरे पास लाओ, मुस्लिम दामद की हदीस है, कहा लाओ सबसे पहले मैं अपने जूते से इसको मारूं। सबसे पहले शराबी को नबी ने अपने जूते से मारा। यही चीता कैंप का एक शख्स का बेचारा कहने लगा शराबी, अरे कितना मुबारक होगा वो शख्स कि नबी का जूता उसको मिला। वो यही से उठ के गया और शराब पी के दोबारा है। लोगों ने पूछा, रही क्या किया, कहा अरे नबी का जूता मेरे सर पे पड़ेगा, इससे ज्यादा और खुश नसीब कौन है। खुदा उल्टी समझ के सीख को न दे, ले आदमी को अकल पर यादा न दे। उस बेईमान को बताना चाहिए कि अरे वो तो इस दुनिया का मामला था, जहन्नम में अल्लाह के नबी थोड़ी मारेंगे तुझे जूता मारने आए। वो तो यहाँ अल्लाह के नबी ने सजा दी थी, वहां थोड़ी सजा देने के लिए आए। एक और शख्स कहता है, बोले साहब जहन्नम में जाएगा ना शराब पीने वाला। हमने कहा हाँ यार क्यों, तो हदीस है, अगर तौबा करके बगैर तौबा के मर गया तो सजा भुगतेगा। वो कहता है चलो अच्छा होगा, कम से कम दुनिया की हीरोइन तो मिलेंगी वहां पर, उसने तो उसका नाम भी लिया। क्या मुसलमानों को मजाक सूझता है कुरान हदीस के मामले में? जहन्नम की सजा क्यों सोचने सोचता नहीं? ये तो जहन्नम रही, वहां मैदान महशर का ही हाल होगा कि आदमी टखने के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई गोता लगा रहा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो मैदान महशर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कहेंगे अल्लाह मैदान महशर की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इससे तो अच्छा है कि तू हमको जहन्नम में डाल दे। हालांकि जहन्नम को अभी देखा भी नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम इतनी गर्म है कि अगर किसी को एक लम्हा जहन्नम में डाल दिया जाए, एक लम्हा, इब्ने कय्यिम लिखते हैं आंख बंद करो खोलो, इतनी देर का दसवां हिस्सा कर लो, आंख बंद करो खोलो, ये तो बहुत देर हो गई, इसका भी दसवां भाग कितना हुआ, यानी एक सेकंड का भी दसवां हिस्सा करो। इब्ने कय्यिम कहते हैं एक सेकंड के दसवें हिस्से के लिए किसी को जहन्नम में डाल कर निकाल लिया जाए और उसको मक्के में या मदीना मिला कर खड़ा कर दिया जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक सेकंड से भी कम जहन्नम भुगत कर आने वाला, जहन्नम की आग में जलकर आने वाला आदमी अगर बाहर को सांस ले ले, बाहर की तरफ जब सांस ले तो वो सांस इतनी गर्म होगी कि उसकी गर्मी से जलकर पूरा मक्का और पूरा मदीना कब जलकर राख हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इतनी सी देर के लिए जहन्नम में गया और दुनिया क्या डाल दिया।